हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसम बनाने का रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी और झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पहले 3 टमाटर को बॉईल करके लिया हुआ था। इस तरह से अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसका छिलका आप निकाल भी सकते हो या फिर रेडी भी कर सकते हो। और इससे मैंने ग्राइंड करके लिया हुआ है। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई में ऐड किया हुआ है ऑयल, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हो। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी राई, राई के बाद मैं ऐड करूँगी जीरा, आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हो, ड्राई रेड चिली, बट मैं यहाँ पे नहीं ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं हींग ऐड कर रही हूँ। और रसम है तो ये सब ज़रूरी है। इसके बाद मैंने ऐड किया है करी लीव्स और ऐड किया है गार्लिक, 2 से 3 गार्लिक लिया हुआ है। और ग्रीन चिली मैंने सिर्फ 1 ऐड किया हुआ है, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो। और हाफ ऑनियन कट करके ऐड कर दिया है। और फिर इसे इस तरह से फ्राई करना है। ज़्यादा कुछ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है हमें इसमें। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ऑलरेडी मैंने गार्लिक ही थोड़ा सा ऐड किया था, 2-3 क्लोव्स, और यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहे तो सिर्फ जिंजर ऐड कर सकते हो छोटे पीसेस में कट करके। उसके बाद इसे इस तरह से फ्राई करके लेना है जब तक इसका रॉ स्मेल निकल ना जाए। यहाँ पे मैं रेडीमेड रसम पाउडर यूज़ करूँगी, आप चाहे तो घर पे ही बना सकते हो या फिर आप इसमें धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टोमेटो का जो प्यूरी बना के रख दिया था बॉईल किया हुआ, तो उससे मैं ऐड कर दूँगी इस प्यूरी को। आप वो बॉईल करके इसको स्मॉल पीसेस में कट करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट मैंने उसको ग्राइंड किया हुआ था। ये इसे आप सूप की तरह भी पी सकते हो। इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं, पानी इसमें ज़्यादा ही लगता है। ये रसा सार या फिर रसम थोड़ा पानी जैसे ही रहता है, एकदम पतला रहता है, तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था, देख सकते हो इतना ही पतला रहता है रसम, ज़्यादा थिक नहीं रहता है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ अगर आप रसम पाउडर नहीं ऐड कर रहे हो तो आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर इसमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तभी भी खुशबू बहुत अच्छा आता है और सेम ही लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे रेडीमेड रसम पाउडर ऐड करूँ, ये जस्ट 10 रुपीज़ का आता है और इसका मैं पूरा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच तक ऐड किया हुआ है रसम पाउडर। मैं पाउडर घर पर भी बना सकती हूँ बट इस बार मैंने रेडीमेड पाउडर यूज़ किया हुआ है। और फिर इसे इस तरह से अच्छा मिला लेना है। आपको और खट्टा चाहिए तो इसमें इमली का प्यूरी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो 1 चम्मच तक, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टापन और ज़्यादा आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट नहीं ऐड किया हुआ था। अब इसे उबालने देना है और हमें फाइनली ऐड करना है धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता से एक फ्रेश फ्लेवर आता है, फ्रेश खुशबू आता है, तो इसलिए ज़्यादा धनिया का पत्ता डालते हैं हम रसम में, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें अगर आपको ज़्यादा खट्टा लगेगा तो थोड़ा गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, ऐसे ही ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है या फिर गरम गरम ऐसे ही आप पी सकते हो जब आपका तबीयत ख़राब हो या अगर आपको फीवर हो, तो उस टाइम पे इस तरह से चटपटा खट्टा ये रसम पीने से बहुत ही स्ट्रेंथ भी मिलता है और मुंह का टेस्ट अगर आपका ख़राब रहेगा तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, इसे अभी हमें बॉईल आने के लिए देना है। अभी आप देख सकते हो रसम इज़ रेडी टू सर्व। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।